नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश पटेल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताया जाता है सेकंड क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके सामने स्टेटमेंट दिए जाएंगे। चार क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका स्टेटमेंट जो है आपको उसका निष्कर्ष निकालना है, जो कि होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट दिया गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं समझाता हूँ, यानी जो ट्रेन है अगर 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है डिस्टेंस विद द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड को मान लेते हैं हम लोग एक्स, या आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, स्पीड को हम मान लेते हैं एक्स। अगर और अगर ये तो पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर दूसरी सिचुएशन होगी कि वो सेम डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर सेम डिस्टेंस एक्स माइनस 8, यानी जो पहली वाली स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दें, यानी अगर एक्स किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें दिया गया है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, स्पीड देख लेते हैं, स्पीड है एक्स किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो और टाइम कितना लगा, टाइम भी मानना पड़ेगा, टाइम हम मान लेते हैं टी, या आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे, उसका हो जाएगा इस टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा इसका टाइम, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मूला है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है 480 किलोमीटर, स्पीड हमें पता है एक्स इज इक्वल टू टाइम, हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। दूसरा केस लेते हैं केस टू, ये हो जाए केस वन, केस वन, केस टू में क्या होगा, हमें बताया गया डिस्टेंस तो सेम ही है 480 वाला, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी लेस, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगी। और टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, क्या 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो जो टाइम हमने लिया था ना t, तो उसमें हम 3 प्लस कर देते, यानी 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले ही लिखा हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस हमारा 480 वही, और स्पीड है हमारी x माइनस 8 ये वाली, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम सबको पता है t प्लस 3। तो अब एक काम करेंगे, इसको ही मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब नीचे एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन है, यानी t की वैल्यू है 480 अपॉन x, t की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो t लिखा हुआ है उसकी जगह हम 480 अपॉन x लिख देंगे, जिससे ये जो इक्वेशन है हमारी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल हो जाए, और उसको जो है सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी हमारे लिए। तो हम एक काम करेंगे, 480 एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू टी की जगह हम लिख देंगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है, 480 अपॉन एक्स और प्लस 3 ये है, और बगल में लिख देंगे पुटिंग इक्वेशन वन, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब जो है ये तो सबको ये पता होगा शायद मेरे हिसाब से, कि हम जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, और x जो है वो होल के लिए हो जाएगा, होल यानी पूरे के लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x इज इक्वल टू 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई में ये जो नीचे बैठा है वो हो जाएगा x माइनस 8, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है।
इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, ये तो मेरे को सबको पता है शायद से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 64333238, ठीक है, ये हो जाएगा 3x2, ये हो जाएगा हमारा 24x, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करके देखेंगे, ये जो मैंने को साफ साफ दिख रहा है कि 480x और यहाँ पे भी 480x, तो हम एक काम करेंगे कि इसको और इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको LHS में लेके जाएं तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस अपने आप कट जाएगा, तो हम सिंपल से करते हैं। अब जो है इसको फर्दर लिख लेते हैं, 3x2 माइनस 24x माइनस 3840। अब ये जो है हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो जीरो हो गया, इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन है ये 3 से डिवाइड कर जा सकती है, यानी अगर मैं लिखूँ इसके नीचे 3 और यहाँ पे अगर आपको सबको बताया कि अगर LHS में हम करते हैं डिवाइड 3 तो वो RHS में भी डिवाइड 3 ही होगा, तो हम एक काम करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो हमारे सामने आ जाता है इससे ये कट जाएगा 1 आएगा, इससे ये कट जाएगा 8 आएगा, इससे ये कट जाएगा क्या आएगा 1280। तो हमारी इक्वेशन अगले पेज पे, और ये तो जो ये है 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से जो डिवाइड होता है वो 0 होता है, तो हम अगले पेज पर लिख सकते हैं बड़े आराम से कि x square minus 8x माइनस 1280, ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, और जो यहाँ पे x है, x जो लिखा हुआ है वो हो जाती है हमारी स्पीड हो जाएगी। तो हम इस तरीके से, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, जो कि हमने कर दिया है, तो ये हो जाएगी हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।